वाडकर, हमारे डेनिस टीम की तरफ से भी खेलते अमित वाडकर वाई टीम के। ऑन साइड की दिशा में बैकफुट पे जाकर खेला हुआ स्ट्रोक, इस मुकाबले का एग्जीबिशन मैच का था पहला एक लाजवाब स्ट्रोक, चार रन। बैट्समैन अमित के बल्ले से आता हुआ दूसरे छोर पर, जो अमित वाडकर नाम का दहशत हुआ अभी आना बाकी मैदान के अंदर। सामने टीम कराड, दो बड़ी टीमों के बीच एग्जीबिशन मुकाबला खेला जा रहा है। पूरा शुक्रिया हम देना चाहेंगे हमारे आयोजक जिनके माध्यम से इस प्रकार का एक अनोखा मैच रखा गया है, दर्शन दादा बंगे आयोजक इस प्रतिभा के, सतीश सनस। सतीश की अगेन इस बार इनसाइड आउट कवर के ऊपर से खेला हुआ सुपर से ऊपर, छह रन बैक टू बैक। दूसरा स्ट्रोक आता हुआ, दो बड़े स्ट्रोक की मदद से टीम की शुरुआत हुई अब तक लाजवाब फ्लाइंग शुरुआत। अमित बॉन के बल्ले से ये दो धमाका आपने देखा। सतीश सनस पावर प्ले का ओवर फेंकते हुए, जो कि शायद स्पोर्ट के प्रोप्राइटर स्पोर्ट शोरूम जो हमारा है कोपर खेलने में। शॉट अच्छा, शॉट अच्छा, बैकफुट पे जाकर इस बार कट किया है बैक टू बैक दो धमाके चौके के रूप में। और ये अब तक इस ओवर की अगर चर्चा करें तो पहली गेंद पर आया एक, दूसरी गेंद पर चार, छह चार, ये सिलसिला। कुल स्कोर जापुरा बैटिंग टीम का 15 रन। पहले ओवर में हमला बोलती हुई वाई की टीम, बड़ी टीम और बड़ी टीम की एक जबरदस्त शुरुआत इस एग्जीबिशन शो मैच के मुकाबले में। वाशी सुपर लीग 2020 और मुकाबला चलता हुआ एक एग्जीबिशन मैच, टीम सामने बैटिंग करते हुए आप देख सकते हैं वाई और दूसरी तरफ फील्डिंग करते हुए कराड 11। ये अच्छी लाइन लेंथ कम बैक किया सतीश सन्ने से, इस बार गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर पड़ने के बाद थोड़ी सी दिलीप बॉलर है, माफ करना इस बार राउंड द विकेट छोर बदला अपना, लॉफ्ट किया इस बार गेंद को बैकफुट पे जाकर पीछे फील्डर मौजूद वाइड डिश की दिशा में, कैच पकड़ा गया है अंकुर वहां पर फील्डर मौजूद और पहली कामयाबी मिलती हुई कराड 11 टीम को विकेट चटकाने में कामयाब होते हुए। बॉलर दिलीप, अब सतीश सनस जा रहे मैदान पे, बैटिंग टीम में खेल रहे सतीश सनस। वाशी सुपर लीग 2020 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एग्जीबिशन का मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ कराड की टीम बड़ी टीम हमारी, अंकुर बॉलिंग मार्क पर, बैटिंग करती हुई टीम मैदान पर टॉस हार कर वाई। आप देख सकते हैं नवी मुंबई की दो ऐसी जोड़ी अब बैटिंग कर रही है, एक टीम के खिलाड़ी डेनिस 11 नेरुल में खेलते हैं अमित वाडकर, तो दूसरी तरफ तन्वी 11 को पर कहने के एक स्टार खिलाड़ी सतीश सनस। चार ओवर का मैच, पहले ओवर की खेल में रन आए पूरे 15, जाते जाते बॉलर के लिए खुशी फील्डिंग टीम के लिए खुशी आई, लास्ट लाफ दिलीप ने विकेट चटकाया। नए बॉलर अंकुर राउंड द विकेट, पहली गेंद मिस टाइमिंग स्ट्रोक, सीधा फील्डर वहां पे मौजूद अदन्य शैलेश सेठ गवाने साहब का यहां पर आगमन हुआ, सुस्वागत है वेलकम। दर्शन दादा बांगे की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत है, डीएससी प्रेजेंट वाशी सुपर लीग 2020 में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से वेलकम स्वागत। शॉट लाजवाब इस बार बल्ले के बीचों बीच लगाया, पीछे गिल्डर मस्तक पर देकर जाती हुई दस्तक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला हुआ सतीश सनस सह्याद्री स्पोर्ट ब्रांडेड सिक्सर। ये क्लास है इस वाई के खिलाड़ी की, ये क्लास है नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट का जो एक सर्वोत्तम खिलाड़ियों में से एक, सतीश सनस ब्रांडेड स्ट्रोक छह रन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला हुआ अफलातून सिक्सर। एग्जीबिशन मुकाबले में वाई की टीम कर रही है जबरदस्त प्रदर्शन, कराट की टीम किस तरह पलटवार करेगी वो आने वाला समय बताएगा। कुल स्कोर बढ़ता हुआ बैटिंग टीम का जा पहुंचा 21-21 रन, व्हाट अ मैच, अच्छी कमबैक इस बार बल्ला जोर से घुमाया, बनी तो बनी, न तो अब्दुल गनी आया तो वेलकम, नहीं तो भेड़कम, उस प्रकार का ये स्ट्रोक।
सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, रन मिलता हुआ जरूर 22 के जरिए आता हुआ ये सिंगल, स्कोर 22, बल्ले से रन आया। अंकुर एक बार फिर राउंड द विकेट, शॉट अच्छा, स्लॉट में गेंद थी, फुल लेंथ डिलीवरी, पीछे फील्डर मौजूद, जजमेंट थोड़ा सा गलत और जिसका फायदा बैटिंग टीम को मिलता हुआ। इस ओवर का आता हुआ दूसरा सिक्सर सतीश सनस के बल्ले से, अमित वाडकर ने इस बार स्ट्रोक लगाया। रेड कैप में आप देख सकते हैं अमित वाडकर बैटिंग कर रहे हो, कुल स्कोर जा पहुंचा बैटिंग टीम का 28-28, चार ओवर का मैच। अमित वाडकर के बल्ले से चाइनीज का स्ट्रोक, एक रन मिलता हुआ अंदरूनी किनारा, कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इस सिंगल की वजह से 29। अमित वाडकर, इनकी पहचान हमारे नवी मुंबई के पुलिस अधिकारी और एक जो टीम के कैप्टन है, जो नवी मुंबई की पुलिस की टीम रिप्रेजेंट करती है, उस टीम के कैप्टन हमारे अमित वाडकर जो कि डेनिस 11 नेहरू टीम की तरफ से भी खेलते हैं और आज ये इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन मैच खेलते हुए वाशी सुभाष चंद्र बोस के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान पर। ब्लॉक होल डिलीवरी, जड़ में फेंकी हुई गेंद, लेंथ अच्छा, लाइन अच्छा, टप्पा अच्छा, पूरी तरह रोका इस गेंद पर बल्लेबाज अमित को बॉलर अंकुर ने। तो दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है, दो ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ इस एग्जीबिशन मुकाबले में, बैटिंग करती हुई टीम टॉस हारकर वाई का पूरा स्कोर जा पहुंचा है, विकेट गिरे है एक, स्कोर 29-29। जब सामने टेनिस क्रिकेट के दो स्टार चमचमाते हुए मैदान के अंदर, तो रनों की गति निश्चित तौर पर बड़ी नजर आती है। दो ही ओवर का खेल हुआ है, चार ओवर के इस मुकाबले में, स्कोर की तरफ एक बार नजर डाले तो स्कोर है 29-29 रन। तीसरे ओवर की शुरुआत बॉलर दीपक, ओवर द विकेट पहली गेंद, शॉट अच्छा, लेकिन सतीश को और उनकी टीम वाई को मिलेंगे केवल एक ही रन। चार ओवर का मुकाबला, वाशी सुपर लीग 2020, आयोजक हम सभी के लाड़के, हम सभी की चहेते, हमारे शिवसेना विभाग प्रमुख दर्शन दादा वंगे के माध्यम से हम आयोजन देखते हुए। आज तीसरा दिन एग्जीबिशन मुकाबला, कुल स्कोर हुआ है 30। एग्जीबिशन का मैच सीधा प्रसारण आप देखते हुए हमारे पीटीसी पनवेल टेनिस क्रिकेट। अब एक बार फिर और साथ ही साथ 120 जो दर्शक हमारे जुड़े हैं YouTube के माध्यम से, उसका स्वागत है। क्या शॉट खेला, बैकफुट पर जाकर पावरफुल स्ट्रोक सतीश सनस के बल्ले से, इस बार सीमा पार, पटाका, 6 रन, कुल स्कोर बढ़ता हुआ बैटिंग टीम का जा पहुंचा 36-36 रन। क्या बैटिंग करते हुए सतीश सनस इस मुकाबले में, करियर की शुरुआत की थी एज ए बैट्समैन और आज देखते थे नवी मुंबई हो चाहे वाई क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में जाकर इस खिलाड़ी का बोलबाला नाम टेनिस क्रिकेट में। फर्श से अर्श तक का सफर इस खिलाड़ी का, इस बार भी शॉट दमदार, पीछे फील्डर, कैच पकड़ा जाएगा, आउटस्टैंडिंग कैच, हर्ष वहां पर फील्डर मौजूद थे और एक कमाल का कैच, अंडर प्रेशर पकड़ा गया है, जो थोड़ा सा डैमेज कर रहे थे मैदान के अंदर सतीश सनस, अब उनका विकेट गिरता हुआ मैदान के अंदर और स्कोर हुआ है टोटल बैटिंग टीम का 36-36 के स्कोर पर। एक बड़ी कामयाबी हमारे कराड 11 की टीम को मिलता हुआ। इसके बाद फाइनल के लिए तैयार रहना, वाशी सुपर लीग का जो फाइनल मैच खेला जाएगा टीम CSK और टीम भूमि SN11, तैयार रहना आपको। चार ओवर का एग्जीबिशन मुकाबला, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि दर्शकों के लिए एक और जो वाई क्षेत्र के और कराड क्षेत्र के सुपरस्टार खिलाड़ी आज उनका मुकाबला देखने को मिलता हुआ। जिस तरह आज हम देखते हैं एग्जीबिशन में थाने वर्सेज रायगढ़, उस प्रकार कराड के सभी दिग्गज खिलाड़ी और वाई जो हमारे महाबलेश्वर में बिलोंग करता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट, वहां के खिलाड़ी आमना सामना करते हुए मैदान के अंदर। वाशी सुपर लीग 2020, दीपक की ये गेंद इस बार अक्रॉस द लाइन, पैडल स्वीप करना चाहते थे बैट्समैन अमित वाडकर, लेकिन लेग बाई के जरिए आता हुआ एक रन,
जितना उम्मीद कर रहे थे उतना रन मिलेगा नहीं इस गेंद पर, केवल एक कुल स्कोर की संख्या बढ़ती हुई जा पहुंची 37 रनों पर। तीसरा ओवर मैदान के अंदर प्रगति पर, नो बॉल का इशारा अंपायर का आया यहां पर, निर्णय देखना क्या आता है। थ्रो बॉलिंग बॉस, नो बॉल का इशारा, यानी अब ये इस मुकाबले में बॉलिंग नहीं कर सकते दीपक। चलिए नो बॉल पे आयोजक कह रहे कि दादा ना है ना, पेनल्टी ना है ना, पेनल्टी नहीं है आयोजक कह रहे हमारे दर्शन दादा बंगे। सिर्फ बॉलर चेंज होगा और अगली गेंद फ्री हिट होगी, और इस गेंद पर टोटल दो रन आता हुआ, दो रन की मदद से कुल स्कोर 39। तीन गेंदे शेष और वो तीन गेंदे फेंकने के लिए नए बॉलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, नीलेश आए हैं, ये भी अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, लेकिन कप्तान ने इनका एक ओवर रोक के रखा था। दो ही गेंदे बाकी है, राउंड द विकेट, शॉट अच्छा लेकिन सी भी ऊंची गई है, एलिवेशन पूरी तरह मिल नहीं पाया स्ट्रोक में, गेंद जाता हुआ सीधा वाइड लॉन्ग ऑफ के फील्डर की तरफ, कैच पकड़ने का पूरा अच्छा प्रयास। फ्रीट की गेंद थी, फ्रीट की गेंद की अगर बात करें तो सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, हैंडलिंग द बॉल, रनआउट के तौर पे जो नियम है अंतरराष्ट्रीय के, तभी आप आउट हो सकते हैं। कैच पकड़ा गया यानी बल्लेबाज आउट नहीं होगा। दो रन मिलते हुए बैटिंग टीम को, कुल स्कोर बढ़ता हुआ 41-41। आखिरी गेंद इस ओवर की, शॉट अच्छा, कदमों का इस्तेमाल, कवर के ऊपर से एक बेहतरीन सिक्सर जड़ाया बैट्समैन ने और अर्जित करते हुए पूरे 6 रन। राहुल नाम तो सुना होगा आपने, क्या बैटिंग करते हुए मैदान के अंदर, इनसाइड आउट कवर के ऊपर से खेला हुआ अफलातून सिक्सर, बल्ले से धमाका। 3 ओवर के खेल के बाद बैटिंग करते हुए Y11 टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। लॉन्ग ऑन की दिशा में मारने का प्रयास था, गेंद जाता हुआ मिड ऑन के क्षेत्र में, पीछे फील्डर मौजूद, डॉट बॉल, सचिन वहां पर तैनात किए गए थे। अब थोड़ा सा उनको वाइडिश, सचिन बॉलर है, फील्डर वहां पर नीलेश, अमित वाडकर ऑन स्ट्राइक, एक बड़ा नाम नवीन बैटर इस क्रिकेट का। शॉट अच्छा, गैप में खेला है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, एक रन पूरा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, इस बीच नहीं मिलेगा, फील्डिंग हुई है दमदार, कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 48। पीछे फील्डर उस दिशा में कैच पकड़ा गया है, कमाल का कैच, क्रिकेट नजरों का खेल माना जाता है, अंतिम समय तक नजर बनाए रखा, एक और कामयाबी, एक और सफलता फील्डिंग टीम कराड के लिए। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, जबरदस्त कमाल की बॉलिंग होती हुई मैदान के अंदर, एक समय पर ऐसा लग रहा था सतीश सनस और अमित वाडकर पूरी तरह इस मुकाबले में उनका बल्ला गरजता नजर आ रहा था, उनका बल्ला आग बोल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें पानी डाला है फील्डरों ने, यानी विकेट चटकाया है, रनों की गति को थोड़ा कम किया है। अमित वाडकर के बल्ले से इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर से आता हुआ एक और धमाका, 6 रन इस बार सीमा पार, गेंद बल्ले से टकराई बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आती हुई, स्कोर 54। अमित वाडकर, ये क्लास था इस खिलाड़ी का, टैलेंट, होनार खिलाड़ी, डेनिस इलेवन नेरुल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और नवीन बैटिंग क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर में से एक। इस बार स्क्वायर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक था, क्रिकेट में फुटबॉल का प्रयोग किया जा रहा, पैरों से गेंद को स्टॉप करते हुए तमाम मेहमान धीरे धीरे हमारे साथ उपस्थित हुए, सभी का तहे दिल से दर्शन दादा भंगे की तरफ से स्वागत है। आदरणीय जितेंद्र जी कामले साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है, सुस्वागतम, वेलकम कामले साहब। स्कोर 56-56, इनिंग की आखिरी गेंद,
सचिन की बैकफुट पे जाके इस बार पुल किया है, गेंद जाता हुआ गैप में, एक रन पूरा हुआ है, इनिंग का आखिरी गेंद है तो दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए और देखते देखते दूसरा रन भी कंप्लीट, यानी आंखों आंखों में इशारा हुआ, एक रन दो रन में तब्दील हुआ। इस दो रन की मदद से पहला इनिंग होता हुआ समाप्त, टारगेट है टोटल 58 और टारगेट जो रखा गया है 59 का। तो कराड 11 के कप्तान टीम ध्यान दे, आपको 59 रन बनाना है ये मुकाबला एग्जीबिशन जीतने के लिए। हेलो, हार्ड लक संकेत जगताप, आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद तैयार रहना है सीएसके और भूमि एसएन 11, टॉस के लिए आना है, टॉस के लिए आना है जल्द से जल्दी। दर्शन दादा की तरफ से एक सूचना है सभी के लिए, ध्यान दे सुजल अपने टीम को बताए सीएसके टीम को कि कप्तान संकेत मनालीकर पूरी टीम लेकर मैदान पर आना है, लाइनअप होगा उसके बाद राष्ट्रगीत और उसके बाद फाइनल का मैच खेला जाएगा। सीएसके टीम पूरी टीम लेकर आना है, लास्ट कॉल, लास्ट कॉल है दोनों टीमों को। भूमि एसएन 11 कैप्टन पूरी टीम लेकर आपको मंच की तरफ आना है। टारगेट 59, सलामी जोड़ी कराट की आप देख सकते हैं, दो धाकड़ जोड़ी, दो जोड़ी की अगर बात करें इन दोनों ओपनिंग पेयर को हमेशा एक विस्फोटक खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। रोहित अंकुर और रोहित, नाम में हिट है क्या, किस तरह हिटिंग करेंगे शुरुआती चरण में अपनी टीम के लिए। दोनों ही यहां पर फ्रेंडली टीम, जेंटलमैन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अब तक खेल देखने को मिला है मैदान के अंदर, डिसिप्लिन में खेला जा रहा है प्रतियोगिता। दोनों ही हमारे दर्शन दादा भंगे की टीम और वाई और कराड की ये टीमें आज एग्जीबिशन मुकाबला खेलती हुई आप देख सकते हैं मैदान के अंदर। लास्ट कॉल सीएसके, सीएसके की टीम और भूमि एसएन 11, पूरी टीम लेकर आपको मंच की तरफ आना है। टॉस पिच पर किया जाएगा, राष्ट्रगीत होगा उसके बाद मुकाबला शुरू। हमारे अंपायर जिस मुकाबले के लिए धनंजय जी कोहली स्क्वेयर लेग अंपायर, स्ट्राइक अंपायर शिवराम जी वैती सर। लेट्स प्ले का इशारा, पावर प्ले का पहला ओवर, पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार होते बॉलिंग मार्क पर शरद। क्या बॉल थी लेकिन उतनी लाजवाब स्ट्रोक, व्हाट अ टाइमिंग। दूसरी इनिंग की शुरुआत हिटमैन ने की है चौके के साथ, पारी की आगाज 59 का टारगेट और लेकिन उसका पीछा करने के लिए टिट फॉर टैट ईट का जवाब पत्थर से देते हुए, 100 सोनार की एक लोहार की। बड़ा नाम कराड़ की
क्रिकेट के जगत की अगर बात करें तो ये युवा टैलेंटेड स्टार खिलाड़ी टीम के ओपनर बैट्समैन रोहित स्ट्राइक पर। अब बॉलर का रनअप देख सकते हैं, काफी बड़ा रनअप। जब भी बड़े रनअप की बात होती है तो शोएब अख्तर का नाम याद आता है, शॉन टेंट, इरफान पठान हो, चाहे वह आज के दौर की बात करें डेल स्टेन, ईशान शर्मा, भारतीय टीम की तरफ से उमेश यादव और मुन्ना माइकल। ऑन साइड की दिशा में मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर है, लेकिन इस गेंद पर रन तो मिलेगा जरूर। डेल स्टेन की एक अजीब कहानी, थोड़ी सी कह सकते हैं कि काफी स्ट्रगलिंग कहानी डेल स्टेन की। एक समय था जब वह उतरे थे मैदान पर अंतरराष्ट्रीय मैच डेब्यू करने जा रहे थे, उनके पास शूज नहीं था, प्रॉपर शूज नहीं थे, किसी से शूज मांगा गया, शूज उन्होंने फटाफट फैसिलिटी उपलब्ध हुई, शूज उनको दिया गया। इस बार शॉट थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है, अमित वाडकर गेंद के नीचे, लाजवाब कैच, ब्लाइंडर अमित वाडकर, स्टनर, नवी मुंबई का एक बड़ा नाम और खिलाड़ी ने लिया एक जबरदस्त कैच। 1983 वर्ल्ड कप में जिस तरह कपिल देव ने कैच पकड़ा था, बिल्कुल थोड़ी सी यादें ताजा होती भी अमित वाडकर के द्वारा। वेल कैच अमित, आउटस्टैंडिंग, बड़ी कामयाबी। आउट हुए बैट्समैन अंकुर, तो पहला बड़ा झटका लगता हुआ टीम कराड 11 को। नया बैट्समैन अक्षय मैदान पर जाते हुए, तो बात करें तो हम डेल स्टेन की, शूज नहीं रहते थे लेकिन उसके बावजूद आज डेल स्टेन को जाना जाता है ब्रांड एम्बेसडर शूज के। ओवर द विकेट एक बार फिर बॉलर शरद, इस बार शॉट अच्छा लेकिन पीछे फील्डर, बॉलर इज ऑन ए हैट्रिक, हैट्रिक का मौका, एक से भले दो, एक ही ओवर में दो बड़ा झटका लगा कराड 11 की टीम को। टीम थोड़ी सी अब संकट में, रोहित जैसे खिलाड़ी का विकेट गिरा है, हल्का सा जो जाल बिछाया था उस जाल में बड़ी मछली हाथ में लगी है। बैट्समैन गॉन, 59 का टारगेट और उसका पीछा करते थोड़ी सी टीम अब लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, किसी एक बल्लेबाज से संकट मोचन वाली पारी की आवश्यकता। इतना ही कहना चाहूंगा कराड टीम के लिए, वक्त ने फंसाया है, परेशान नहीं है, वक्त ने फंसाया है, परेशान नहीं हूं मैं, हालातों से हार जाऊं वह इंसान नहीं हूं मैं, हालात थोड़े से खराब है, इतने भी नहीं कि टीम वापस कमबैक ना कर पाए। क्रिकेट है, क्रिकेट आखिरी गेंद तक जब तक नहीं समाप्त होता तब तक कुछ भी भविष्यवाणी करना मूर्खता, कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, मादा रखती है कराड की टीम कमबैक करने की, पलटवार करने की, उलटफेर करने की इस मुकाबले में। इस बार अंपायर शिवराम जी वैती सर का इशारा था हुआ, केवल मिलेंगे एक रन, 59 का लक्ष्य बड़ा है, मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं, ऐसा है कि नहीं चेज हो पाए, चेजेबल ग्राउंड, चेजेबल ये स्कोर, कुल स्कोर बढ़ता हुआ 6, अभी भी 53 रन बनाने हैं। पहला ओवर चल रहा है, ये पावर प्ले में रनों की आवश्यकता, लेकिन यहां पर इस ओवर में रन आए केवल 6 और दो बड़े विकेट गवा बैठी है टीम कराड 11। ओवर की अगली गेंद, लंबा रन, एक बार फिर दायां से ओवर द विकेट, बॉलर तैयार, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, एक और विकेट, एक बार बॉलर शरद के लिए जोरदार तालियां, क्या बॉलिंग की है शरद ने, एक ही ओवर में 3 झटके दिए कराड 11 की टीम को, टीम अब संकट में। चलिए हैट्रिक तो पूरा हुआ नहीं लेकिन एक ओवर में 3 विकेट चटकाया बॉलर शरद ने, वेल बॉल शरद, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जबरदस्त। हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे साथ एक बार हमारे दर्शन दादा मंगे की वाइफ, उनकी पत्नी जो कि महिला उप विभाग संगठक शिवसेना के काजल दर्शनताई बंगे का यहाँ पर आगमन हुआ है। सौभाग्यवती काजल दर्शनताई बंगे, आपका स्वागत है, सुस्वागत है, वेलकम। और हमारे तमाम
सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारे आयोजक दर्शन दादा बंगे की वाइफ जो कि महिला उप विभाग संगठक शिवसेना के अध्यक्ष, साथ ही साथ हमारी तमाम महिला मंडल यहाँ पर स्वागत उनका, सौभाग्यवती काजल दर्शन ताई बंगे का यहाँ पर आगमन, और उनके सभी जो फ्रेंड्स है हमारी महिला टीम, आप सभी का स्वागत है। अच्छी गेंद, बाएं हाथ के बॉलर विशाल आए, इनका नाम में विशाल है और इनके कार्य भी अब तक विशाल बड़े बड़े हैं। बाएं हाथ के ये बॉलर जरूर है लेकिन कई बार कई बैट्समैनों के नाक में दम करके रखा है, ज्यादा रन खर्च करते नहीं है और इनकी जो स्ट्रेंथ है वेरिएशन बॉलिंग की, लगातार हर गेंद पर लाइन लेंथ में बदलाव। इस बार देखिए, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वेट बॉल, क्या बॉलिंग करते हुए, जाफा वाली बॉलिंग बिल्कुल, और ऑफ स्टंप के बाहर। मंच पर आप देख सकते हैं सौभाग्यवती विनोदिनी आयरेताई, प्रणाली ताई कदम, मंदाकिनी ताई सावंत, संगीता ताई अंबिकर, सभी का स्वागत। एक रन आया इस बार, गली की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक था, फ्लाई स्लिप की तरफ एक रन, कुल स्कोर बढ़ता हुआ बैटिंग टीम का जा पहुंचा अब सात, अभी भी जीतने के लिए 52 रनों की आवश्यकता 15 गेंदों में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इनसाइड आउट होकर खेलेगा प्रयास, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद गिरता हुआ नो मैन्स लैंड में, कवर के फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, स्वीपर कवर के फील्डर, एक रन, कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 8 रनों पर। 51 रन और भी बनाने हैं जीतने के लिए, आने वाली गेंदें होंगी 14। तमाम मेहमान हमारे मंच पर आते हुए उन सभी का तहे दिल से स्वागत है। आयोजक हमारे हम सभी के लाडके शिवसेना विभाग प्रमुख दर्शन दादा बंगे की तरफ से सबका तहे दिल से स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बॉलर विशाल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार दिशा और लगभग दशा दोनों ही खराब, व्हाइट का आता हुआ इशारा, व्हाइट प्लस वन टोटल 2 रन, कुल स्कोर की संख्या बढ़ती हुई जा पहुंची 10 रन, अभी भी जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता, आने वाली गेंदे होंगी 14 गेंदे 49। ये समीकरण एग्जीबिशन मुकाबला वाई वर्सेस कराड, अच्छी गेंद, वाटर डिलीवरी आउटस्टैंडिंग, पढ़ने के बाद गेंद थोड़ी सी काटा बदलती हुई बाहर की तरफ, ये लगभग लेग कटर था बॉलर के द्वारा, पढ़ने के बाद गेंद बाहर निकलती हुई, उतनी दमदार विकेट कीपिंग, जितनी खूबसूरत बॉलिंग होती हुई मैदान पर। कराड की टीम थोड़ी सी संकट में है लेकिन यहां से बल्लेबाज एक दो बड़ा स्ट्रोक लगाते, गेंद मिडल ऑफ द बैट होगा तो कॉन्फिडेंस टीम का लौटेगा, और कॉन्फिडेंस काफी आवश्यकता इस मोमेंट पर, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में कराड टीम के लिए खासतौर पर। जैसा नाम है वैसा क्षमता काबिलियत है जिद्दी टीम में कराड, इतनी जल्दी हार मानों में से नहीं है, टीम के अंदर मादा है कि स्कोर को चेस कर सकती है और करना पड़ेगा, बल्लेबाज के अंदर वो क्षमता खूबी है लड़ाई लड़ने की। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, एक बार फिर जिस दिशा में गेंद जा रही उस दिशा में मिलेंगे केवल एक रन, तो इसी के साथ ये ओवर होता हुआ कंप्लीट। अब जीतने के लिए 12 गेंदों में रन बनाने हैं, 48 हर ओवर में 24 के औसत से ये रन बनाने हैं अगर मुकाबला जीतना है। टॉस के लिए आना है और पूरी टीम लेकर आना है, सीएसके चिकिया की टीम, ऋषिकेश कल्याणकर और भूमि एसएन 11 स्वप्निल नाइक की टीम, जल्दी आइए मंच की तरफ, दोनों टीमों को आना है। डाउन द ग्राउंड खिलावा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, यहां पर शरद मौजूद है जिन्होंने बॉलिंग करते हुए पहले ओवर में केवल रन खर्च किए थे, 6-3 विकेट चटकाया था। शरद का ओवर मानो टर्निंग पॉइंट अब तक रहा इस मुकाबले का, लक्ष्य 59 का था, सलामी जोड़ी उतरी थी रोहित और अंकुर की, लेकिन जिस तरह नाक में दम करके रखा वहां पर शरद ने, इस ओवर में केवल खर्च किए 6 रन और 3 बहुमूल्य विकेट चटकाया, टॉप ऑर्डर को पूरी तरह धराशायी करते नजर आए और मैच में पूरी तरह मजबूत स्थिति में अब नजर आ रही है फील्डिंग टीम वाई। वाई टीम थोड़ा सा भारी पड़ती हुई नजर आ रही है कराड टीम के ऊपर, क्योंकि अब जीतने के लिए 10 गेंदों में रन बनाने हैं, 45 10 गेंदे 45 रनों का समीकरण मैदान के अंदर। इस बार फुल टॉस गेंद फ्लाइट दी थी लेकिन 22 के जरिए आता हुआ एक रन, शिवराम जी वैती सर का इशारा आता हुआ। अब जीतने के लिए 9 गेंदों में रन बनाने हैं, 44 9 गेंदे 44
सतीश सनस बॉलिंग मार्क पर अब बॉलिंग करते हैं, ऐसा कि नहीं सिर्फ वाई टीम के लिए बॉलिंग करते हैं, मैंने इतना देखा नवी में टेनिस क्रिकेट में समालोचन करते वक्त अब सतीश सनत तन्वी इलेवन टीम के लिए भी बॉलिंग करते हैं कई बार जब मिलिंद बेटा को उनकी आवश्यकता होती तो। लेकिन आज वाई टीम की तरफ से अमित वाडकर ने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया, जिस तरह का प्रदर्शन शरद ने दिखाया, जिस तरह का प्रदर्शन सतीश सनस ने दिखाया, लाजवाब इस बार तेज तरार गोली की रफ्तार से खेला हुआ स्ट्रोक था लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। ऋषिकेश कल्याणकर चिक्किया भाई वेलकम, आपका स्वागत हमारे एक और वार्ड के समाज सेवक ऋषिकेश वेलकम। मंच पर आप देख सकते हैं तमाम हमारी महिला मंडल, खासतौर पर महिला उप विभाग संगठक शिवसेना के अध्यक्ष सौभाग्यवती काजल दर्शन ताई बंगे, उनके साथ विनोदिनी ताई आयरे, प्रणाली ताई कदम, मंदाकिनी ताई सावन, संगीता ताई अंबेकर और हमारे तमाम मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है। जितने भी हमारे मेहमान मंच पर आए हैं इस सेमीफाइनल समझ लीजिए एग्जीबिशन का मुकाबला और इसके बाद फाइनल का मैच होगा, सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला गया था वाशी सुपर लीग 2020 का महाराजा वर्सेज सीएसके और सीएसके की टीम यानी हमारे ऋषिकेश कल्याणकर भाई की टीम मैच जीती। हार्ड लक बैड लक महाराजा, लेकिन स्ट्रगल महाराजा ने किया, लेकिन एक समय था महाराजा काफी संकट में थे लेकिन जिस तरह बंटी का प्रदर्शन लाजवाब, जिस तरह की बॉलिंग की बॉलर जिन्होंने हैट्रिक लिया था, कुशल वॉग हैट्रिक लेने वाले मंथन का जबरदस्त प्रदर्शन और उतना ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा संकेत जाता आपका। सीएसके टीम आपको तैयार रहना लाइनअप करने के लिए, साथ में कैलिस हमारे प्रशांत भाई। सीएसके टीम यानी चिकिया सुनील कल्याणकर, दोनों टीमें तैयार रहे। मैच जल्दी खत्म करना है, ऐसा न हो कि तीन ओवर का मैच रखा जाए। फिर हमारे 12वें प्लेयर गए किधर भाई, मिस्टर इंडिया जैसे पलक झपकते गायब हो गए, वाइट टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी कीपर का नाम बताइए। ओ सतीश दादा कीपर का नाम सांगा, प्रशांत क्या कीपिंग करते हुए बिल्कुल एमएस धोनी के स्टाइल में प्रशांत, क्लोज कीपिंग अमंतर तौर पे आसान होता नहीं है। ओवर द विकेट बॉलर की लाजवाब बॉलिंग करते हुए विश्वास और टीम ने जो विश्वास दिखाया आज सभी खिलाड़ियों के ऊपर वाई टीम ने जबरदस्त, अमित वाडकर होंगे उसमें, डेनिस लेवन नेहरू की टीम की तरफ से खेलते नजर आते, सतीश सनस तन्वी की टीम की तरफ से, ये स्टार खिलाड़ी, इनका नाम मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि नवी टेनिस क्रिकेट के, नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी है सब। लाजवाब स्टंपिंग, क्या बात है, वाइट जरूर है लेकिन स्टंपिंग को आप देखिए, बार बार देखो, हजार बार देखो, इतनी खूबसूरत स्टंपिंग, पलक झपकते बल्लेबाज कब आउट हो रहे पता नहीं चल रहा है। एक और विकेट गिरता हुआ करा टीम के लिए, संकट में टीम, अब जीतने के लिए मात्र दो गेंदों में 40 की आवश्यकता, औपचारिकता पूरी करनी बाकी। चलिए लाइनअप करने के लिए तैयार है राजू दादा शेट्टी, प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, टीम लेकर आइए, तैयार है ना राजू दादा। स्टीयर किया गेंद को, मात्र एक गेंद शेष इस एग्जीबिशन मुकाबले का, ये भी आउट होंगे, क्या बात है प्रशांत, सह्याद्री स्पोर्ट सतीश सनस आउटस्टैंडिंग जर्सी ब्रो, वेल प्ले बॉयज और वाई टीम आज की विजेता टीम इस एग्जीबिशन मुकाबले के लिए, वेल डन बॉयज, हार्ड लक बैड लक करा टीम क्रिकेट है, जिस तरह हेड और टेल होता है उस तरह क्रिकेट का ये भाग है, लेकिन आने वाले समय के लिए रोहित
अंकुर पूरी टीम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. कराड 11 हार्ड लक.